दोस्तों, कानून व्यवस्था में जनता की भागीदारी की आवश्यकता का महत्व क्या है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। पुलिस विभाग के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने में जनता के सहयोग की बहुत ही आवश्यकता होती है और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। थाना पुलिस को अपने थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था से संबंधित विभिन्न अवसरों पर जन सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि जन सहयोग प्राप्त होता है तो समस्याओं का निराकरण भी होता है और पुलिस के कर्तव्य आचरण संबंध में आलोचना भी नहीं होती। थाना क्षेत्र से संभावित शांति भंग की सूचना प्राप्त करने के संबंध में जन सहयोग काम करना अति आवश्यक होता है। जैसे अवैधानिक भीड़ को तितर बितर करने को गिरफ्तार करने में जन सहयोग प्राप्त करना, अभियुक्त की गिरफ्तारी में जन सहयोग प्राप्त करना, किसी मकान तलाशी में जन सहयोग प्राप्त करना, त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में जन सहयोग प्राप्त करना, बड़े मेलाओं में व्यवस्था हेतु जन सहयोग प्राप्त करना, सांप्रदायिक तनाव को सुलझाने में जन सहयोग प्राप्त करना, सांप्रदायिक दंगा होने के बाद पुनः शांति स्थापित करने में जन सहयोग प्राप्त की आवश्यकता, ग्रामीण क्षेत्र में निवासियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जन सहयोग की आवश्यकता, शहर में यातायात व्यवस्था में सहयोग की आवश्यकता, क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगा होने के बाद पुनः शांति व्यवस्था बनाने हेतु जन सहयोग की आवश्यकता, किसी कानून व्यवस्था की घटना के रूप में चुनाव क्षेत्र में शांति बनाए रखने हेतु जन सहयोग की आवश्यकता। जन सहयोग प्राप्त करने के लिए पुलिस को क्या करना आवश्यक है? थाना क्षेत्र में शांति समिति गठित की जाए और समय समय पर पुष्टि करते रहना चाहिए। कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रकरणों और उनसे संबंधित व्यक्तियों की सूचना देने के लिए लोगों से अपील की जाए। प्राप्त सूचनाओं को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक गांव में सुरक्षा समितियों को पुनर्गठित किया जाए। सूचना देने वालों की आवश्यकता पड़ने पर सहायता की जाए और पुलिस अपना व्यवहार आम लोगों के साथ अच्छा रखे। दोस्तों, अपराध नियंत्रण हेतु 21 बिंदु की एक स्कीम बनाई गई है, इसके संबंध में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। स्कीम नंबर 1, वांछित अपराधियों घोषित मफरूर फरार अपराधी का इनाम घोषित अपराधियों सहित की गिरफ्तारी है तवीज देने की कार्रवाई। स्कीम नंबर 2, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी, रिक्शा स्टैंड पर संदिग्ध व्यक्तियों, पब्लिक वस्तुओं के संबंध में कार्रवाई। स्कीम नंबर 3, बाहरी राज्यों से मजदूरी हेतु आए व्यक्ति, ठेकेदारों, किरायेदार, घर नौकर, चौकीदार, ठेका शराब व पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की जांच कार्रवाई। स्कीम नंबर 4, विगत 15 वर्षों में पेशेवर हत्या, गिरौती, अपहरण, लूट, डकैती, नकबजनी, तार चोरी, वाहन चोरी तथा चेन मोबाइल स्नेचिंग की घटना में प्रकाश में आए अपराधियों के सत्यापन की कार्यवाही। स्कीम नंबर 5, शस्त्र धारकों के शस्त्र कारतूस ओके भौतिक सत्यापन की कार्रवाई करना। स्कीम नंबर 6, आपसी रंजिश, भूमि विवाद, पार्टी बंदी के मामलों का चिन्हीकरण, निरोधात्मक कार्रवाई का सत्यापन। स्कीम नंबर 7, शस्त्र शराब मादक पदार्थ बनाने एवं बिक्री के अड्डों पर छापे की कार्रवाई। स्कीम नंबर 8, आगे शस्त्रों की दुकान की चेकिंग और सत्यापन, शस्त्रों को लेकर चलने वालों की चेकिंग और कार्रवाई। स्कीम नंबर 9, होटल, बार, ढाबे, धर्मशाला, सिनेमाघर और साइकिल कैफे आदि की चेकिंग, विक्रेताओं की चेकिंग। स्कीम नंबर 10, मोटर गैराज, रिपेयर वर्कशॉप, कबाड़ी और संदिग्ध क्षति के विभिन्न सामान विक्रेताओं की चेकिंग, महिला व कन्या विद्यालयों, स्कूलों और छिकाकसी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई। स्कीम नंबर 12, बैरियर चेकिंग, नाकाबंदी, बॉर्डर चेकिंग। स्कीम नंबर 13, मोहल्ला ग्राम सुरक्षा समिति का गठन, पुनर्गठन।
स्कीम नंबर 14 सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही, स्कीम नंबर 15 गैर जमानती वारंट की तामिला, स्कीम नंबर 16 10 अस्थायी टिकट व गार्डों की चेकिंग, स्कीम नंबर 17 रिक्शा ऑटो टेम्पो टैक्सी चालकों एवं रेडी लगाने वालों का सत्यापन, स्कीम नंबर 18 पुलिस थाना एवं चौकियों की सफाई कार्य, स्कीम नंबर 19 मिलान गश्त, स्कीम नंबर 20 आपराधिक घटना घटित होने पर थाना क्षेत्र में गाड़ाबंदी करना, स्कीम नंबर 21 यातायात व्यवस्था हेतु संयुक्त रूप से वाहनों की चेकिंग करना एवं कार्रवाई। धन्यवाद।